हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। देखो, NaCl एक FCC लैटिस में रहता है, ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि इसमें फॉर्मुला यूनिट्स कितने होते हैं, 4। मतलब जब 4 NaCl के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब हमें एक यूनिट सेल मिल जाए। तो बेसिकली मुझे ये पता चल जाए मेरे पास कितने NaCl मॉलिक्यूल्स हैं, तो आंसर आ सकता है ना। एंड हमें ये चीज़ भी पता है कि मॉलिकुलर मास के अंदर एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स रहते हैं। प्लस वन में हमने मोल कंसेप्ट में किया ये, तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl विल बी कंटेनिंग एवोगैड्रो NaCl मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 1 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा, 6.02 इंटू 10^23 अपॉन 58.5 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, 4 NaCl के यूनिट्स को मिला के एक यूनिट सेल मिलता है, तो अगर मेरे पास एक NaCl होता तो कितना यूनिट सेल मिल जाता, 1/4 ऑफ यूनिट सेल। लेकिन मेरे पास कितने NaCl हैं, बिल्कुल सही, अभी अभी तो निकाला, तो इतने NaCl से कितने यूनिट सेल्स मिल जाएंगे, यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने एंड आंसर विल बी 1/4 ऑफ दिस होल वैल्यू, 6.02 इंटू 10^23 अपॉन 58.5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6.02 दिस इज डिवाइडेड बाय 4 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 58.5, तो 0.0257 इंटू 10^23 विच इज 2.5 इंटू 10^21 इंटू 10^21 ए पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।